दोस्तों, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ और एक स्पेशल न्यूज़ निकल के आ रही है। पिछले कई दिनों से भारत डॉलर पे अपनी निर्भरता कम करने के लिए काम किए जा रहे हैं, जिसके संदर्भ में आज उसने एक बड़ा डिसीजन लिया है, जिस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट मैं आपको अभी स्क्रीन पे दे दूँगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इंडिया और बेलारूस रुपये रूबल ट्रेड मैकेनिज़म को लेके काम करेंगे, और भारत और बेलारूस का ऐसे कोई बड़ा व्यापार तो है नहीं, $1 बिलियन का भी नहीं है, 500 या 600 मिलियन डॉलर का ही व्यापार होता है हमारा बेलारूस के साथ, और ना ही वो रणनीतिक रूप से या फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में डायरेक्टली इंडिया को कुछ प्रॉफिट देने वाला है। लेकिन फिर भी इंडिया ने बेलारूस के साथ ये कारोबार किया है, और लेकिन इस बात को लेके अमेरिका और विश्व के और काफ़ी देश चिढ़े हुए हैं काफ़ी, क्योंकि बेलारूस रसिया को हमेशा से हेल्प करते हुए आया है, यूक्रेन और रसिया युद्ध के स्टार्टिंग से ही। तो ऐसे में पश्चिमी देशों का और अमेरिका का चिढ़ना तो लाजमी था, लेकिन इन सब देशों के चिढ़ने के बाद भी और ये सब इंसिडेंट होने के बाद भी इंडिया इस तरफ कदम बढ़ाए जा रहा है, जो एक तरीके से काफ़ी अच्छी बात भी है, हमारी स्वतंत्र और एक मजबूत कूटनीति को दिखाता है, विदेश नीति को दिखाता है। हर सिक्के के फ्रेंड्स दो पहलू होते हैं, जैसे कि इस कंडीशन में भी है, रूपे ट्रेड से हमारे डॉलर पे निर्भरता तो कम हो जाएगी, लेकिन इससे US के साथ हमारे रिलेशन थोड़े ख़राब हो सकते हैं, जो अभी भी कुछ सही नहीं है, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक और न्यूज़ है जो मैं स्क्रीन पर आर्टिकल डाल रहा हूँ, UAE और सऊदी के साथ भी हमारे लोकल करेंसी में ट्रेड होने वाले हैं, और इन देशों के से हम काफ़ी ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदते हैं, और ये देश हमसे अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। अगर इन देशों के साथ हम लोकल करेंसी में ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली हमारी GDP को फ़ायदा ही पहुँचेगा, और धीरे धीरे हमारा प्यारा भारत देश आर्थिक रूप से मजबूत होता चला जाएगा। और हाल ही के कुछ दिनों में सऊदी और अमेरिका के बीच में कुछ खटास देखने को मिली है, कुछ दूरियाँ देखने को मिली है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि सऊदी लोकल करेंसी में हमारे साथ बिजनेस करने के लिए एग्री हो गया हो, और UAE के साथ तो हमारे अच्छे रिलेशन हैं ही। आने वाला समय काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इस तरीके की न्यूज़ों से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।